बायंसी समझने के लिए एक कैलकुलेशन करते हैं, ओके। एक कोई कंटेनर लेते हैं, इसमें लिक्विड फिल्ड है पूरा, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, साइड इज एल। ये टॉप से एच नीचे है, ठीक है। एक कंटेनर है, उसमें कुछ लिक्विड है, उसके अंदर हमने एक क्यूब डाल दिया, वो क्यूब बीच में है, ठीक है। आप ये मान लो फ्लोट कर रहा है। अब इस क्यूब के ऊपर प्रेशर होगा और प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगी, तो क्यूब के चारों तरफ फोर्स लगेगी। दिस इज व्हाट एफ वन, दिस इज व्हाट एफ टू, दिस इज व्हाट एफ थ्री एंड दिस इज व्हाट एफ फोर। दीज आर द फोर्सेस ड्यू टू प्रेशर, हर तरफ फोर्स लगेगी। नाउ एफ थ्री एंड एफ फोर, तो बींग ऑन द साइड, तो हर पॉइंट पे दे विल बी इक्वल। F3 and F4 are equal and opposite. So cancel out. तो ये तो cancel हो जाएंगे। Now F1 is equal to pressure into area. प्रेशर इनटू एरिया। नाउ इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर डिपेंड ऑन हाइट, तो कितना हुआ? एच रो जी, और एरिया आई टोल्ड यू क्यूब है तो एल स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट एफ वन। व्हाट अबाउट एफ टू? F2 will be pressure at the second surface and area of the second surface. And how much is the pressure on second surface? H plus L rho, H plus L rho g, है ना? H plus L rho g, और area कितना हो गया? L square. Now which force is more? F2, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है। So net force is how much? Net force F is equal to F2 minus F1. अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो H rho g into L square तो कैंसिल हो गया, so that is L rho g into L square, and this we can write L cube rho g, and further we can write V rho g. इतना समझ में आया? So this is what is the net force on object because of the pressure difference on two sides, top side or bottom side पे जो pressure का difference है उसकी वजह से जो net force आई, that is V rho g. Is it clear? This is called buoyancy. Or अप थ्रस्ट, इसी को हम बायंसी या अप थ्रस्ट बोलते हैं।
सो व्हाट इज बायंसी और व्हाट इज अपथ्रस्ट? द नेट फोर्स ड्यू टू प्रेशर. राइट, सो व्हाट इज बायंसी और अपथ्रस्ट? द फोर्स ड्यू टू नेट फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड. राइट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बायंसी और अपथ्रस्ट. राइट, एंड दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड. जितना बॉडी का वॉल्यूम अंदर है. सो दैट इज द वेरी मच बेसिक ऑफ द बायंसी या अपथ्रस्ट. करेक्ट, तो ये बेसिक है. बाकी मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बता देता हूं. हो गया ये? हो गया? राइट, नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन फ्लूइड पार्टली और होली, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज बायंसी. इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट which is equal to weight of displaced fluid, which is equal to weight of displaced fluid. जो displaced fluid का weight है उसके बराबर होता है. Okay? It is always vertically upward. हमेशा vertically upward होगा. So this is buoyancy is equal to V rho G. Weight of displaced fluid. Weight of fluid क्या हो गया? Mass into G. Mass क्या हो गया? Volume into density. सो दिस इज वॉट इज द बायंसी जो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था. यही कैलकुलेट किया था ना, वीरो जी. नाउ ड्यू टू बायंसी अपेरेंट वेट of object that is actual weight minus buoyancy. This is actual weight and this is buoyancy. So apparent weight ho jata hai actual weight minus buoyancy. That is another way to write the Archimedes principle. Okay, whenever an object is immersed partially or wholly in a fluid, it loses some of its weight, and this loss of weight is equal to weight of displaced fluid. That is another way of writing Archimedes principle.
फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी अगर बॉडी फ्लोट कर रही है apparent weight is always equal to zero. apparent weight हमेशा zero होता है अगर body float कर रही है तो. float करने का मतलब ही क्या होता है? net force zero हो गया. देखो ये हमने fluid लिया, इसमें ये object है, ये ऑब्जेक्ट का वेट है और ये बायंसी है. सो बायंसी एंड वेट आर अपोजिट. तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये फ्लोट करना शुरू कर देगा. सो वेट ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी इज ऑलवेज जीरो, और वी कैन से अ फ्लोटिंग बॉडी इज ऑलवेज वेटलेस, क्योंकि फ्लोट तो तभी करेगा ना जब नेट वेट जीरो होगा. अगर वेट नेगेटिव है तो ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव है तो नीचे आ जाएगा. एक बॉल को ऐसे छोड़ेंगे, नीचे आ गया, दैट इज पॉजिटिव वेट. एक हीलियम फिल्ड बैलून है या हॉट एयर बैलून है, उसको छोड़ेंगे ऊपर चला जाएगा, दैट इज नेगेटिव वेट. उस केस में बायंसी ज़्यादा हो गई. अगर बायंसी वेट से ज़्यादा हो गई तो वेट नेगेटिव हो जाएगा, वेट बायंसी से ज़्यादा है तो वेट पॉजिटिव हो जाएगा, और वेट और बायंसी इक्वल है तो नेट वेट जीरो हो जाएगा. इतना समझ में आया? क्या चीज? वेट ऊपर जाने वाला. अगर बायंसी वेट से ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा. जो हॉट एयर बैलून है वो इसीलिए तो ऊपर जाता है. ओके, नहीं समझ में आया क्या बोला? हॉट एयर बैलून में एयर को गर्म कर देते हैं तो एयर का वेट ज्यादा हो जाता है, तो अंदर की एयर का वेट कम हो गया और बाहर की एयर का वेट ज्यादा हो गया. तो बायंसी बाहर की एयर की वजह से है और वेट अंदर की हवा की वजह से है. तो अंदर हवा का वेट कम हो गया गर्म कर दिया, तो गर्म करने से डेंसिटी कम हो जाती है ना. ठीक है, राइट? इज इट क्लियर? ओके. ये एक कंटेनर है, इसमें एक आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा है. आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा है और ये वाटर है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी एंड डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी. You have to tell what fraction of ice will be outside the water surface. What fraction of ice will be outside the water surface? कैसे करोगे? फ्लोटिंग है तो वेट और बायंसी इक्वल हो गया. फ्लोटिंग है तो वेट और बायंसी इक्वल हो गया. वेट हो गया वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू जी, और बायंसी हो गया वॉल्यूम इनसाइड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी. तो वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड इज 0.9 ऑफ टोटल वॉल्यूम. तो वॉल्यूम आउटसाइड इज 0.1 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, दैट इज 10% ऑफ वॉल्यूम.
सो 10% ऑफ वॉल्यूम इज आउटसाइड, राइट? इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्स टाइम्स, इज एक्स टाइम्स, और यहां पे एक्स वन से कम होना चाहिए. If density of object is x times the density of fluid, then x part of object will be inside. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्स परसेंट ऑफ फ्लूइड देन एक्स परसेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इनसाइड. जितना परसेंट ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी उतना परसेंट वो अंदर रहेगा. इस केस में देखो, इस केस में डेंसिटी ऑफ आइस इज 90% ऑफ वाटर, है ना? डेंसिटी ऑफ आइस कितना है? 0.9. 0.9 इज हाउ मच? 90% ऑफ द वाटर. सो 90% आइस विल बी इनसाइड. तो जितना परसेंट डेंसिटी होती है उतना ऑब्जेक्ट अंदर होता है. दैट्स वेरी सिंपल रूल. ओके, राइट? नाउ एक और क्वेश्चन करो. एन ऑब्जेक्ट वे 5 newton in air, 4 newton in water, and 4.5 newton in some liquid. Find density of liquid. एक ऑब्जेक्ट हवा में 5 newton है, वाटर में 4 newton है, और किसी और लिक्विड में 4.5 newton है. तो व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड? Difference of weight is buoyancy. Actual weight का जितना कम हो जाता है उसको हम buoyancy बोलते हैं. So buoyancy of water is equal to 5 minus 4, that is 1 newton. यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इज 1. ओके, बायंसी ऑफ लिक्विड दैट इज 5 minus 4.5, दैट्स 0.5 newton. वॉल्यूम तो सेम रहेगा. नाउ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी is 0.5. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. तो
इनसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम वन एंड टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.5 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, सो दैट इज 5 × 10⁻²। केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 10³ केजी पर मीटर क्यूब, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल कम एज 5 × 10⁻²। केजी पर मीटर क्यूब, राइट। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द बायंसी, इफ एन ऑब्जेक्ट is immersed in fluid, it loses its weight, which is equal to buoyancy, but due to action reaction weight of fluid increase by same amount, how is it? ये fluid है, weight of fluid is Wf, ये object है, weight is Wo. Now apparent weight of object is equal to weight of object minus buoyancy, and apparent weight of fluid it is like this. इसको ऐसे सोचो, एक बहुत समझदार आदमी था, वो एक हाथ में मछली का थैला लेके जा रहा था और एक हाथ में बाल्टी में पानी लेके जा रहा था। उसने सोचा मैं मछलियाँ पानी में डाल दूंगा तो मछलियाँ पानी में तैरेंगी तो ये तो वेटलेस हो जाएंगी और पानी का मुझे वेट उठाना पड़ेगा, तो इस तरह से मुझे कम वेट उठाना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली उसने मछलियाँ पानी में डाल दी। लेकिन ही फाउंड उसे अब भी उतना ही वेट उठाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि बायंसी का एक रिएक्शन भी होगा, फ्लूड ने पानी ने मछली के ऊपर एक फोर्स लगाई, दैट्स बायंसी, एंड मछली का रिएक्शन अकॉर्डिंगली ऑन वाटर, तो मछली वापस पानी पे फोर्स लगाएगी, दैट इज इक्वल टू बायंसी, सो देन द नेट रिजल्ट विल बी व्हाट, मछली का वेट कम हो गया, पानी का वेट बढ़ गया, तो टोटल वेट विल रिमेन सेम, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। इसके ऊपर ये बायंसी लगी, फ्लूड के ऊपर ये बायंसी लगी। अब हम पूरे को एक सिस्टम लें तो बायंसी का तो ओवरऑल रोल ही खत्म हो गया ना, ठीक है? राइट, होप सो इतना समझ में आ गया होगा। और कुछ पूछना है?